अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है हमें? हम जानते हैं चिक्की हमारी बेटी है, मगर फिर भी न जाने हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। हमें वापस जाना चाहिए। देव, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरी सगी माँ और तुम्हारी सौतेली माँ। मेरी गुड़िया वापस करो ना, प्लीज दे दो ना। देखना चाहती हो तुम्हारी सौतेली छोटी चुड़ैल बहन और क्या क्या कर सकती है। हमने तुम्हें जिस बारे में पता करने के लिए कहा था, तुमने पता किया? हाँ पार्वती, आपके कहने पर मैंने नाग दूत के साथ पता लगाया था। और क्या? दरअसल चिक्की असल में, बोलो महक, साफ साफ बताओ हमें, चिक्की असल में क्या? चिक्की असल में चुड़ैल की बेटी है। चिक्की चुड़ैल है? इसका मतलब ये हमारी बेटी नहीं है। मोहिनी ने हमसे झूठ बोला। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? माँ, माई चुड़ैल है, माँ। उन्होंने तो मेरा असली रूप देख लिया। पागल चिक्की, क्या किया तूने? अब तेरा क्या होगा? मोहिनी, झूठ कहा था हमसे कि हमारी बेटी जिंदा है। ये सच हम जान चुके हैं कि चिक्की हमारी बेटी नहीं है। पारो, तुम सही भी हो और गलत भी। कोई और पहेली नहीं, साफ साफ बताओ हमें, हमें सच जानना है। अरे तो सच ही तो बोल रही हूँ, तुम्हारी बेटी जिंदा है ये सच है, और चिक्की तुम्हारी बेटी है ये झूठ है। बकवास बंद करो अपनी। अपनी जान बचाने के लिए तुमने हमें ये पट्टी पढ़ा दी कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन दोबारा हम तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसेंगे। कैसे जाल? तुम ना पारो, पूरा मूड खराब कर देती हो। ये जाल नहीं है, सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बेटी जिंदा है। कभी तो यकीन करो यार। खूबसूरत है ना,
इसकी एक बहुत ही अनोखी ताकत है कि मेरे सच और झूठ दोनों पकड़ लेती है। मायावी अंगूठी, मैं पारो से बेइंतहा नफरत करती हूँ। सच या झूठ? सच। मैं देव से नफरत करती हूँ। झूठ। चिक्की पारो की बेटी है। झूठ। और पारो की बेटी जिंदा है। सच या झूठ? सच। अगर जिंदा है तो कहाँ है? सच। मोहिनी, अगर एक और बकवास की ना तुमने तो तुम्हारे हलक से जुबान निकाल कर चौराहे पे लटका देंगे हम। शांत हो जाओ ना, इतना क्यों चिल्लाती रहती हो? अगर तुम्हें अपनी बेटी को पाना है तो तुम्हें चिक्की को मारना होगा। ऐसे क्यों देख रही हो? यकीन नहीं होता? करना भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मेरा तो रिश्ता ही ऐसा, जन्म जन्म की दुश्मनी। अच्छा चलो ठीक है, मायावी अंगूठी से पूछ लेते हैं। मायावी अंगूठी, जरा ये बताओ कि अगर पारो ने चिक्की को मार दिया तो क्या मैं उसे उसकी बेटी का असली पता बताऊंगी? सच या झूठ? सच। क्या बत्ता मजाक है ये? चिक्की को तुम यहाँ लेकर आई थी, ये सारा नाटक तुमने उससे कराया, तो फिर हमें मजबूर क्यों कर रही हो उसे मारने के लिए? क्योंकि तुम्हें मजबूर देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हें तड़पता हुआ देख कर पारो, चिक्की को मैं यहाँ लाई थी, उसे यहाँ लाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुम्हें उसे मारना होगा। और तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ आना है उसे मारने के बाद मुझे ढूंढने के लिए? ओके? क्यों? क्यों मारना चाहती हो तुम चिक्की को? ये कभी किसी मासूम को नहीं मारेगी। वो नहीं मारेगी तो हम कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि चिक्की की जान खुद पर खुद उसके हाथों से चली जाए और वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चिक्की पारो की बेटी है। झूठ। पारो की बेटी जिंदा है। सच। अगर पारो ने चिक्की को मार दिया तो क्या मैं उसे उसकी बेटी का असली पता बताऊंगी? सच या झूठ? इसका मतलब उस मोहिनी ने एक माँ के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। उसे हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा झूठ बोला है उसने हमसे, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन महक, सबसे पहले हमें चिक्की को बचाना होगा, उसे उसकी मां तक पहुंचाना होगा। तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ पार्वती। रांग, ये रांग है भोलेनाथ। हम जानते हैं चिक्की हमारी बेटी नहीं है, लेकिन उस बच्ची को मार देना, ये कैसे करें हम? क्यों भोलेनाथ, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रहे आप? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे आप हमारी? क्यों भोलेनाथ? पारो, क्या हुआ तुम्हें? पारो, पारो हुआ क्या तुम्हें? ऐसे रो क्यों रही है? बात करो उससे। वो देवा, बस हमारा दिल भर गया था। तू इतना दिल भर गया कि आगे झलक पड़ी? देखो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मरने के बाद देव
कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आज के बाद ऐसी बात कभी नहीं करोगे, सुना तुमने? कभी नहीं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी, दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है? ओके, अब बताओ हुआ क्या? कुछ नहीं दीप, बस हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जो हम करना तो नहीं चाहते, मगर मगर करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।